दोस्तों, मुल्क भर में पांचवें मरहले की पोलिंग जारी है। अब से पहले चार मरहले में पोलिंग हो चुकी है। हमारे महाराष्ट्र में टोटल 48 लोकसभा पार्लियामानी हलके थे, जिसमें से अब से पहले होने वाले चार इलेक्शनी मरहलों में हमारे महाराष्ट्र की 35 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन हो चुके थे। पांचवे फेज के इलेक्शन में जो कल 20 मई के रोज हुआ, इसमें महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों के लिए इलेक्शन था, जबकि टोटल 49 सीटों के लिए इस पांचवे मरहले में पोलिंग थी, जिसमें से महाराष्ट्र की 13 सीटें और दीगर 7 रियासतों की बाकी 36 सीटें शामिल थी। पांचवे मरहले की पोलिंग में महाराष्ट्र की जिन 13 लोकसभा हलकों में इलेक्शन था, उनमें धुलिया हलका, हमारा अपना डिंडोरी हलका, नासिक हलका, पालघर हलका, भिवंडी हलका, कल्याण हलका, थाना हलका और मुंबई के 6 हलके, उत्तर मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई, उत्तर पूर्व मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई, दक्षिण मध्य और मुंबई दक्षिण। इस तरह महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों पर कल 20 मई को पांचवे मरहले की पोलिंग हुई। टोटल 49 सीटों के लिए इलेक्शन था, लेकिन महाराष्ट्र की 13 सीटों पर यहाँ लोकसभा का इलेक्शन हुआ। महाराष्ट्र की तमाम सीटों पर इलेक्शन हो चुके हैं। अब छठे मरहले की पोलिंग होगी, जो मगरबी बंगाल, वेस्ट बंगाल वगैरह के दीगर इलाकों में होगी। दोस्तों, महाराष्ट्र की जिन 13 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन हुए, तो इन टोटल 13 सीटों का पर 48.66% मजमू पूरे महाराष्ट्र की 13 सीटों पर 48.66% पोलिंग दर्ज की गई। इनमें धुलिया हल्के से 55.96%, डिंडोरी हल्के से 62.66%, नासिक हल्के से 61%, पालघर हल्के से 54.32%, भिवंडी हल्के से 48.89%, कल्याण हल्के से सबसे कम 41.70% पोलिंग हुई, थाना में 47.56% हुई, जबकि मुंबई उत्तर में 46%, उत्तर पश्चिम मुंबई में 49.81%, मुंबई उत्तर पूर्व में 48.67%, मुंबई उत्तर मध्य में 47.46%, मुंबई दक्षिण मध्य में 48.80% और मुंबई दक्षिण में 44.63% पोलिंग हुई। यानी मुंबई की कुल 6 सीटों पर मजमू फीसद 47 रहा, जबकि पूरे महाराष्ट्र की 13 सीटों पर मजमू 48 रहा। हमारे महाराष्ट्र की इस 13 लोकसभा सीटों में कल 20 मई को होने वाले इलेक्शन में सबसे ज्यादा फीसद डिंडोरी हलके का रहा, जहां डिंडोरी में 62.66% रहा, जबकि कल्याण में सबसे कम यानी 41.70% पोलिंग का इंदराज किया गया। दोस्तों, हम धुलिया हलके से ताल्लुक रखते हैं। धुलिया हलके में टोटल वोटों की तादाद आपको बता दें कि 20,22,061 वोट, यानी 20,22,061 वोट हमारे धुलिया हलके में थी, जिनमें मर्द हजरात की वोट 10,51,928 जेंट्स वोट और 97,086 लेडीज वोट ख्वातीन की वोट थी, जबकि 47 सिंफ दरमिया तीसरी सिंफ यानी जनखे 47 इस तरह मिलाकर कुल 20,22,061 वोट हमारे धुलिया हल्के में थी, जिनमें से 11,31,580 लोगों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया, यानी 20,22,000 में से 11,31,000 लोगों ने वोट दिया। वोट देने वालों में धुलिया हल्के में 617,738 मर्द लोगों ने वोटिंग की है। मर्दों का धुलिए में वोटिंग फीसद 58.74 रहा, जबकि धुलिया हल्के में ख्वातीन ने 513,839 वोट दी है। इस तरह धुलिया हल्के में ख्वातीन की वोटिंग का परसेंटेज 52.97% रहा। वहीं हमारे यहाँ से 47 वोटों में 3% तीन जनखों ने भी अपनी वोटों का इस्तेमाल किया, यानी इनकी वोटों का फीसद
47 में से 3 जाए तो 6.38% जनखों ने वोटिंग की। इस तरह टोटल 11,31,580 लोगों ने धूलिया हल्के में अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया और धूलिया हल्के में मजमूई तौर पर 55.96% मजमूई वोटिंग धूलिया हल्के में दर्ज की गई। दोस्तों, हमारा मालेगांव हल्का, जिसे हम मालेगांव सेंट्रल 114 हल्का कहते हैं, इसमें वोटिंग का फीसद मर्द हजरात की 157,512 वोट थी और ख्वातीन की 144,871। इस तरह 3,23,091 वोट हमारे धूलिया हल्के में थी, जिसमें से 157,000 मर्दों में से 103,303 मर्दों ने वोटिंग की, 144,871 ख्वातीन में से 87,541 ख्वातीन ने वोटिंग की। मालेगांव शहर के में 8 जनखे वोट थी, जिनमें से 2 जनखों ने भी वोटिंग की। इस तरह मालेगांव शहर में जहां 3,23,000 वोट थी, उनमें से 190,846 वोट मालेगांव सेंट्रल से गिरी, यानी मालेगांव का मजमू फीसद 63.11 बताया जा रहा है, जबकि कुछ सरकारी आदादोशुमार में मालेगांव का फीसद 64.80 भी बताया जा रहा है। मालेगांव आउटर में कुल वोट 3,60,815 थी, जिसमें से 1,94,840 वोट आउटर में हुई, यानी यहाँ 54% वोटिंग हुई। यहाँ ख्वातीन ने 47% वोट की, यानी 1,71,000 ख्वातीन में से 81,246 ख्वातीन ने आउटर में वोट दी, जबकि आउटर मालेगांव में 1,89,468 मर्दों में से 1,13,544 मर्दों ने वोटिंग की। आउटर मालेगांव में मर्दों का वोटिंग फीसद 59.95 रहा, जबकि ख्वातीन का फीसद 47.2 रहा। आउटर मालेगांव में भी 8 जनखे थे, जिसमें से 2 जनखों ने यहां वोटिंग की। इस तरह आउटर मालेगांव का मजमू फीसद 54 बताया जा रहा है। बागलान में 2,91,691 वोट थी, जिसमें से 1,62,345 वोट गिरे, यानी बागलान में मजमूई फीसद 56.4 रहा। धूलिया ग्रामीण हल्के में 3,93,498 वोट थी, जिसमें से 2,25,522 वोट गिरे, यानी यहां का वोटिंग फीसद 57.31 रहा। जबकि धूलिया सिटी में 3,43,821 वोटर्स में से 1,75,074 वोटरों ने वोटिंग की, यानी यहां पे वोटिंग का फीसद 50.92 रहा। जबकि सिंहखेड़ा में 3,31,845 लोगों में से 1,82,953 लोगों ने वोटिंग की, यानी सिंहखेड़ा में मजमूई फीसद 55.13 रहा। दोस्तों, इसी तरह धूलिया हल्के के अलावा हमारे अतराफ में भिवंडी, डिंडोरी, नासिक जिला भी हमारे से कनेक्टेड रिलेटेड माने जाते हैं। डिंडोरी हल्के में वोटिंग का फीसद सबसे ज़्यादा, यानी 62.66 रहा। यहाँ 6 अलग अलग मराकिस थे। नानगांव में 55% वोटिंग हुई, कलवन में 63.45% वोटिंग हुई, चांदौड़ में 66.02% पोलिंग हुई, यावला में 63.2% पोलिंग हुई, नेपाल में 62.76%, जबकि डिंडोरी में 66% वोटिंग हुई। इस तरह पूरे हल्के में 62.66% दर्ज किया गया। वहीं नासिक पार्लिमानी हल्के में 61% वोटिंग हुई, जिसमें सिन्नर में सबसे ज़्यादा 68.70% वोटिंग दर्ज की गई, नासिक ईस्ट में 56%, नासिक सेंट्रल में 57%, नासिक वेस्ट में 60%, देवलाली इलाके में 61.70% और त्रंबकेश्वर इलाके में 66%। इस तरह नासिक में 61%, डिंडोरी में 62% का इंदराज किया गया, धूलिया हल्के में 55.96% का इंदराज किया गया। वहीं भिवंडी से भी बहुत कम पोलिंग हुई, यानी भिवंडी में 48.89% वोटिंग दर्ज की गई। दोस्तों, इन तमाम आदादोशुमार के बाद बेशतर अफराद इन 13 सीटों पर ज्यादातर इंडिया अलायंस के सेकुलर उम्मीदवारों की जीत यकीनी बता रहे हैं। वहीं धूलिया हल्के की उम्मीदवार शोभाताई बच्चाओं को लेकर भी मीडिया ने अपने एग्जिट पोल में शोभाताई बच्चाओं को हरी झंडी बताई है। मुमकिन है
धूलिया हल्के से शोभा ताई बच्चाओ की जीत मुमकिन हो सके। बहरहाल तमाम नतायज का ऐलान 4 जून को होगा। आप देखेंगे दीगर रिपोर्ट और लोगों के एनालिसिस जल्द ही सैक न्यूज पर।